अंजीत सबसे बड़ी बात कि जो अंदर चार लोग थे दो कूद गए और एक लेडी और एक लड़का उनको सपोर्ट करा था उस दर्शक दीर्घा से उस विस्टर गैलरी से वो कहाँ है। लेकिन अंदर से जब वो व्यक्ति कूदता हुआ अंदर आया तो उसको मैंने रोका, सबसे पहले रोक के उसको दबोच लिया, उसके बाद दूसरे ने जो स्प्रे किया धुआं छोड़ा, पहले को जो पहले के साथ उसने भी धुआं छोड़ा। तो उस वक्त वो दो लोग उन दर्शकों के साथ बाहर निकल गए, वो कौन है दो लोग, उनको आप दबाने की प्रयास नहीं करें। रंजीत सबसे बड़ी बात कि जो अंदर चार लोग थे दो कूद गए और एक लेडी और एक लड़का उनको सपोर्ट करा था उस दर्शक दीर्घा से उस विस्टर गैलरी से वो कहाँ है। तलाश हम उन लोगों की करेंगे जो चार थे, बाहर से जिनको पकड़ा है वो कोई और होंगे, लेकिन अंदर से जब वो व्यक्ति कूदता हुआ अंदर आया तो उसको मैंने रोका, सबसे पहले रोक के उसको दबोच लिया, उसके बाद दूसरे ने जो स्प्रे किया धुआं छोड़ा, पहले को जो पहले के साथ उसने भी धुआं छोड़ा। सब जब राजन अग्रवाल जी ने लोकसभा को एडजोन किया 2 बजे तक, तो उस वक्त वो दो लोग उन दर्शकों के साथ बाहर निकल गए थे, वो कौन है दो लोग, उनको आप दबाने की प्रयास नहीं करें। और लोकसभा अध्यक्ष जी का बार बार ये बयान कि घटना मामूली थी ये ठीक नहीं है। देखिए ये तो मजाक बना के रख दिया, देश का पार्लियामेंट का करोड़ों रुपये लगा के पार्लियामेंट आप बना रहे हो, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुला रहे हो, लेकिन हमारे जैसे जो सिंगल मेंबर पार्टी, 2 मेंबर जिसके हैं, 5 मेंबर जिनके, 5 साल में लोकसभा अध्यक्ष ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया फ्लोर लीडर को कभी भी, जबकि प्रधानमंत्री जो मीटिंग लेते हैं उसमें हम सबको बुलाया जाता है। एक तरीके से आप ये कहोगे कि मामला ठीक नहीं चल रहा है, उसी का ही परिणाम है। कहीं ना कहीं जिस तरह अंदर विस्तर घुस जाते हैं, कोई MP अपनी सिपाही जो 100 आदमियों को ले जाता है, कोई 50 को ले जाता है और कोई 2 को भी नहीं ले जा पा रहा है, ये स्थिति लोकसभा के अंदर है और उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। तो सिक्योरिटी को लेकर हम अभी मांग करेंगे, लोकसभा ठप करने का प्रयास करेंगे, एक बार मिल लेते हैं सारे दलों से और हम चाहेंगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना है और मैं इसको, चूंकि चीफ है हमारे हेड है, इनको ये कहना चाहिए कि घटना गंभीर है और मामले में मैं कार्रवाई करूंगा, और उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मामूली घटना थी कुछ भी नहीं था, ये कहके और जले पे नमक छिड़ने वाली बात। उस MP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी संस्था खत्म करनी चाहिए, निष्कासित करना चाहिए उनको, ये हमारी मांग है कि उनको सारा पता था। और एक लेडी और व्यक्ति जो भागे हैं, मुझे लग रहा है कि उनका कनेक्शन कहीं कहीं इनके आसपास के लोगों से मिलेगा, इसलिए सरकार दबाना चाहती है उस मामले। आज रणनीति रहेगी 100% जो विपक्ष हम साथ हैं उसके अंदर, जो एक बार कार्रवाई करें हम जाके करें।